क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 संख्या और शब्द। आज अपन क्या पढ़ेंगे उसके अंदर 7 पॉइंट, संख्या का लास्ट 7 पॉइंट और शब्द का फर्स्ट पॉइंट। सेवन पॉइंट है ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न कोई, सुबरस कलश भरा सुधा भरा साधु निंदा सोई। तो सेवन नंबर है, सेवन नंबर लिखा हुआ है ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंची न कोई, कि अगर व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ले लेता है परंतु उसके कार्य क्या होते हैं, निम्न श्रेणी के होते हैं, निम्न वर्ग के होते हैं, तो उसका समाज में महत्व नहीं रहता, न समाज में न परिवार में न कहीं पर भी उसका कोई भी स्थान नहीं होता है। कि संसार में अगर निम्न कुल में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर अच्छे और श्रेष्ठ कार्य करता है तो वह क्या होता है, वह महान और श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु अगर व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेकर भी निम्न वर्ग जैसे या निम्न श्रेणी के कार्य करता है तो वह उच्च कुल में जन्म लिया हुआ भी उसके लिए व्यर्थ हो जाता है, लोग उसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और उसका उसको कोई भी महत्व नहीं मिलता, न समाज में आदर सम्मान वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। अगर व्यक्ति निम्न कुल में भी जन्म लेता है, छोटे कुल में छोटी जाति में भी जन्म लेता है, परंतु उसके कार्य श्रेष्ठ होते हैं और अपने श्रेष्ठ कार्यों के बल पर समाज में परिवार में जहाँ कहीं भी हो जाता है उसे मान सम्मान और उसे आदर मिलता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उच्च कुल में जन्म या जे करनी ऊंच न हो, अगर उच्च कुल में व्यक्ति जन्म लेकर भी उसके कार्य उच्च नहीं है श्रेष्ठ नहीं है तो वह उसका जीवन क्या है, निरर्थक है, सार्थक नहीं है। सुब्रस कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, सुब्रस यानी सोने का कलश, सोने के कलश में अगर अमृत भरते हैं तब तो उसका महत्व बढ़ जाता है, अगर सोने के कलश में अगर गंगा का जल भरते हैं तभी वो पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु उसी सोने के कलश में अगर हम शराब भर देते हैं तो सभी लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं और सोने के कलश को कोई भी न तो छूता है, न उसको अपने हाथ लगाता है, न उसको अपने कहीं पर भी उस कलश को महत्व दिया जाता है। साधु निंदा सोई, और साधु लोग क्या करते हैं, सब उसकी निंदा करते हैं, उसको कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता है। तो सोने के कलश में अगर गंगा का जल भरते हैं या कोई पवित्र पवित्र रस से या अमृत से या किसी प्रकार से श्रेष्ठ धन और धान्य से अगर कुछ भर देते हैं तो वह सोने का कलश पूजा के योग्य हो जाता है, पूजा का पात्र बन जाता है। और उसी प्रकार अगर सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो वह क्या हो जाता है, निंदा या आलोचना का पात्र बन जाता है, लोग सब उसकी निंदा करते हैं, उसको छूते भी नहीं है और उसको महत्व भी नहीं देते हैं, उसका सम्मान भी नहीं करते हैं, उसको निम्न समझा जाता है। तो यही कबीरदास जी इसमें यही भाव कह रहे हैं। अब अपन पढ़ेंगे शब्द। शब्द का अर्थ होता है पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे हृदय में तेरे अंतर मन में निवास करता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, कि हे मनुष्य ना तो मैं केवल मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में रहता हूँ, ना हिंदुओं के पवित्र स्थान काशी में निवास करता हूँ, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना योग और वैराग में, ना तो मैं किसी प्रकार के कर्म कांड में या क्रियाओं में, जैसे अलग प्रकार शादी विवाह शोक वगैरह सब जगह जो कर्म कांड होते हैं जो क्रियाएं होती हैं, ना तो मैं उन क्रियाओं में निवास करता हूँ और ना ही योग और वैराग में, ना तो मैं योग जो साधना करने वाले व्यक्ति होते हैं योगी होते हैं उन साधना करने वाले व्यक्तियों में निवास करता हूँ और न ही मैं बैराग यानी संसार को छोड़कर अलग होकर अपने कर्तव्य से मुँह मोड़कर अगर कोई व्यक्ति बैराग के धारण करता है तो मैं उस बैराग के में भी नहीं मिलता हूँ। खोजी हुए तो तुरते मिलियो, अगर खोजा जाए तो तुरंत मिल जाता हूँ, अगर मनुष्य सच्चे मन से मुझे खोजने का प्रयास करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मुझे खोजने का प्रयास करता है तो मैं उसे तुरंत मिल जाता हूँ, पल भर की तलाश में कुछ क्षण की तलाश में ही मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ।
नहीं तो साधु संन्यासी बलि हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे फिर भी उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और अगर मनुष्य सच्चे मन से या अपन कह सकते हैं कि बिना किसी का बुरा किए सभी के लिए भलाई का कार्य करता हुआ अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ अगर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो ईश्वर उसको मिल जाता है। कहीं कहीं कभी सुनो पे साधु सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई साधु सज्जन मनुष्य सब सुनो, वह तो ईश्वर तो सबकी सांस में निवास करता है, सबके हृदय में निवास करता है। तो पूरे पंक्ति का अर्थ निकलेगा कि ईश्वर कहते हैं कि हे मोको और कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे हृदय में ही निवास करते हैं। कभी कभी अपन क्या करते हैं सारी वस्तुएं ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं परंतु वो कहाँ मिल जाती है, वो अपने पास ही मिल जाती है। जो वस्तु मनुष्य चारों ओर ढूंढता है परंतु उसे वह नहीं मिलती, वो कहाँ होती है, उसके हृदय में निवास करती है, उसी में है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे हृदय में ही या अंतर मन में ही निवास करता हूँ। अगर मुझे सच्चे मन से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और अपने श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा तू मुझे मेरी साधना करेगा तो मैं तुझे अवश्य मिलूँगा। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं हिंदू ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ ना मस्जिद में निवास करता हूँ, ना मैं हिंदुओं के पवित्र स्थान काशी में निवास करता हूँ, न ही मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में निवास करता हूँ, न तो मैं कोई क्रिया कर्म में मिलता हूँ और न ही मैं किसी योग साधना में और न ही किसी प्रकार के वैराग्य की भावना में। कोई लोग कहते हैं ना कि नहीं मुझे सांसारिक के लिए संसार से विरक्त होना है, मुझे वैराग्य धारण करना है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और कर्तव्यों को छोड़कर अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अगर वो साधना करता है, योग करता है, वैराग्य धारण करता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि वो जिस कर्तव्यों के पालन के लिए उसका जन्म हुआ है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहने का मतलब यही है कि कबीरदास जी सांसारिक जीवन को जीते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे तब उन्हें अपने क्या हो गए ईश्वर की प्राप्ति हुई थी। तो उन्हीं के आधार पर इन्होंने लिखा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर न तो किसी क्रियाकर्म में होता है, कर्मकांड में होता है, न ही योग में और न ही वैराग्य धारण करने से मिलता है। अगर योग और वैराग्य धारण करने से मिलता तो ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या करते रहते हैं। सारे ऋषियों को जो वैराग्य धारण किए हुए लोग होते हैं उन सभी को ईश्वर की प्राप्ति हो जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। खोजी हो तो तुरते मिलियो, खोजा जाए तो वह तुरंत मिल जाता है। कहते हैं ईश्वर दीन दुखियों के घर में रहता है, तभी तो उसे क्या बोलते हैं दीन दुखियों के घर में रहने वाले ईश्वर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं दरिद्र नारायण भी कहते हैं। दीन दुखियों के निवास स्थान पर भी रहते हैं। तो खोजी हुई तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, अगर खोजा जाए ईश्वर को तो वह पल भर की तलाश में ही मिल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु और मनुष्य लोगों सुनो, ईश्वर तो हमारी सांस में निवास करता है, हमारे विचारों में, हमारे हृदय में, हमारी सांस में या हमारी आत्मा में उसका निवास स्थान होता है। अगर अपन उसमें ढूंढें, अपने आप में ढूंढें तभी ईश्वर हमें मिल सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको शब्द के प्रश्न नंबर कौन से हैं 9, 10, 11 तो यहाँ पे पहले अपन साक्षियों के प्रश्न किए थे, अब यहाँ पे शब्द है, शब्द में 8, 9, 10 और 11 ये आपको चार अभ्यास प्रश्न करने हैं। इसके आगे के जो अतिरिक्त प्रश्न हैं या इसी के आगे के जो प्रश्न हैं, आगे के कुल प्रश्न 13 हैं, तो इन 13 प्रश्नों में से आपको 8, 9, 10, 11 चार प्रश्न करने हैं, उसके बाद 12, 13 प्रश्न और जो अतिरिक्त प्रश्न हैं वो आपको अगली बार होमवर्क में दिए जाएंगे जो आपको करने हैं, और इसके आगे का जो भाग है अपन अगली बार पढ़ेंगे।